भैया यहाँ से आपको पैसे पड़े हुए तो नहीं मिले? किसी किसी ने आपने यहाँ पैसे पड़े हुए देखे? किसी ने उठाए भी नहीं? ये मैंने क्या किया? इतनी लापरवाही बरती? पच्चीस हजार कोई छोटी रकम नहीं होती, कहां से लाऊंगी? राफिया से क्या कहूंगी? नहीं नहीं उसे तो बताना भी नहीं है, वरना वो समझेगी कि आंटी कोई नया ड्रामा कर रही है। सोचना क्या है आंटी, आपका आपका जो घर है उसे रेंट पे देते हैं, अच्छी बात है, आपको पैसे भी आते रहेंगे। तुम कैसे मेरा घर मेरी इजाजत के बगैर किसी को दे सकती हो? बहन कहती हो मुझे तो इजाजत की क्या जरूरत है? अरे बहन कहूँ या माँ कहूँ, लेकिन मेरी चीज पर तुम्हारा क्या हक बनता है भाई? ओहो तो अच्छा, सिर्फ तुम्हारा हक मुझ पर बनता है? जब दिल चाहे पैसे मांग लो। अभी इसे ही लेने के लिए पूरे 50,000 रुपए दिए हैं मैंने तुम्हें, याद है तुम्हें? और लौटाने का नाम ही नहीं लेती, रोज टाल देती हो तुम तो दे दूंगी ना, मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ? अब इसकी जरूरत नहीं है, ये वैसे भी मैंने किराए पर उठा दिया है, 20,000 रुपए एडवांस और 3 महीने का 30,000 रुपए किराया। जब मेरा कर्जा उतर जाएगा तो मैं तुम्हें चाबी वापस कर दूंगी। देखो मैं तुम पे एतबार करके तुम्हें अपने घर की चाबी देकर गई थी कि तुम मेरे घर का ख्याल रखोगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। ओहो अब ये रहने दो, तुम तो वैसे भी सादिया के घर पे रह रही हो, 3 महीने और रह लेना, जब मेरा कर्जा उतर जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाकर तुम्हारी चाबी वापस कर दूंगी, समझ में आई?